सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। आज तारीख है 20 और 20 तारीख के दिन कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आनी थी और वो अपडेट आ भी चुकी है भाई। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वार्टर और 3 रिजल्ट्स को लेकर आने ना अपडेट, वो अपडेट आ चुकी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए डिस्कस करते हैं। साथ में आप लोग देखोगे एक खबर और हमें आते हुए नजर आए कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रेगुलर ट्रेडिंग को लेकर जो है अभी कंपनी ने एक अपडेट दिया है और यहाँ पर देखोगे 70% स्टॉक अपने हाई से टूटा हुआ है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन जो स्टॉक में तेजी बनी थी वो काफ़ी अच्छी थी। एक दिन ट्रेडिंग हुई ना इसमें वीक में, अब इसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग के लिए जो अभी जो कंपनी है या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जो अभी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसके ऊपर खबरें आई हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिली है। ब्राइटकॉम ग्रुप BSE NSE के साथ ट्रेडिंग निलंबन निरस्तीकरण है उसके लिए आवेदन करेगा, ये कदम उठाएगा। ये कंपनी की तरफ से अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो भी ब्राइटकॉम ग्रुप या फिर समूह आप लोग देखोगे में वर्तमान में लगभग 6.5 लाख छोटे शेयर धारक हैं या जिनके पास 31 मार्च को समाप्त तिमाही तक 2 लाख रुपये से कम की अधिकृत शेयर पूंजी है भाई। यानी छोटे निवेशक हैं यहाँ पर फंसे हुए 6.5 लाख, उनको जो ना भी यहाँ पर ये जो NSE का सर्कुलर हुआ था जेड श्रेणी में इसको डाल दिया गया, वो सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी। और क्यों डाला, क्योंकि 2024 के जो सितंबर तिमाही है उसके रिजल्ट्स कंपनी ने जो ना भी आप लोग पीछे घोषित किए हैं, लेकिन सितंबर के बाद जो दिसंबर के रिजल्ट हैं वो बाकी हैं भाई। उसके बाद आप लोग देखो दिसंबर के बाद मार्च और जून, ये 2 रिजल्ट्स और कंपनी को पेश करने होंगे। लेकिन हालांकि पहले तो कंपनी को 2 क्वार्टरों के कारण ही यहाँ पर जो निलंबित है वो किया गया था और इसके अंदर ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन हो रही है वीक में, तो इसके ऊपर जो ना अभी कंपनी अब बातचीत करने वाली है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जो ना अभी जो ये भी सर्कुलर का पालन नहीं किया था इसके रिजल्ट्स वगैरह कंपनी डिस्क्लोज कर देगी। और उसके बाद देखो इसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग यानी कि सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, अब दिसंबर क्वार्टर के कंपनी आज की डेट दी गई थी। इसके साथ ही कंपनी ने एक अनाउंसमेंट और किया था भी, ब्राइटकॉम ग्रुप यूरोप मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया प्रशांत बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया था। ऐसा कहा जाता है कि यह डिजिटल बाजार और मीडिया उद्योग में वैश्विक पदचिन्ह बढ़ाने के कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। ब्राइटकॉम ग्रुप लंदन और हांगकांग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रेनोवा कॉरपोरेशन नामक एक नए नाम के तहत अपने विदेशी परिचालन का विस्तार करने का भी इरादा रखता है। भले ही ब्राइटकॉम ग्रुप विदेशों में परिचालन का विस्तार करना चाहता है, लेकिन इसके शेयर धारकों को अनिश्चितता भविष्य का सामना करना पड़ रहा है भाई। यानी कि जो भी आपने देखा होगा पीछे माहौल बना था इसके अंदर वही सब है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं भी आज 20 तारीख को जो अपडेट आई है आखिरकार वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी की तरफ से ये नोटिस आ गए हैं, आज जो बोर्ड मीटिंग होनी थी उसके ऊपर BSE NSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो भी। कंपनी ने पोस्टपोनमेंट को लेकर जो भी डिस्कस किया, यानी कि जो भी इसकी जो बोर्ड मीटिंग थी ना वो पोस्टपोन हो गई है भाई, यानी कि उसको आगे कर दिया गया जो पहले 20 तारीख को यानी कि आज के दिन होनी थी। यहाँ पर देख सकते हो भी 20 तारीख आज इसके रिजल्ट्स आने थे कंपनी के, उस रिजल्ट्स को जो अभी आगे सरकार दिया गया है। और जो आगे डेट तय की गई अभी रीशेड्यूल किया गया हुआ 24 अगस्त, तो कंपनी जो रिजल्ट डिस्क्लोज करने जा रही थी थर्ड क्वार्टर के वो अब आप लोग देखोगे 24 अगस्त को करेगी, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। और दूसरा आप लोग देखोगे भी कंपनी NSE BSE से बात करेगी ट्रेडिंग सर्कुलर जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसको लेकर, जो ट्रेडिंग सस्पेंशन इसके हुई है ना अभी ट्रेडिंग रोकी गई है इसको लेकर। जल्द से जल्द जैसे रिजल्ट आ जाएंगे इसके क्वार्टर 3 के उसके बाद उन्हें ट्रेडिंग रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी फिर से। तो इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिस प्रकार से कंपनी ने रिजल्ट दिया अभी पीछे 352 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। आगे अगर इसके Q3 के रिजल्ट भी इसी प्रकार से आएंगे तो भी ये स्टॉक डटने वाला नहीं है, फिर से आपको जो उसी लेवल पर जाते हुए नजर आएगा जहाँ से इसमें गिरावट होनी स्टार्ट हुई है, 36 रुपये के आसपास 50 रुपये के आसपास है, वहाँ के मूव आ सकते हैं अगर रिजल्ट्स ये अच्छे रहे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।